ज्ञान व्यापी मामले में सीजीआई चंद्रचूड़ से हुई थी बड़ी गलती। पता चलने पर सीजीआई ने तुरंत बदला फैसला। जाने नए फैसले से किसका हुआ फायदा। सीजीआई चंद्रचूड़ देश के इतिहास के सबसे लोकप्रिय चीफ जस्टिसों में से एक हैं, अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में ज्ञान व्यापी प्रति अपने फैसले की वजह से चर्चा के केंद्र में रहे सीजीआई चंद्रचूड़ की खासियत यही है, गलती करने पर माफी मांग लेते हैं और तुरंत सुधार भी करते हैं। ज्ञान व्यापी मामले में सीजीआई से इसी तरह हुई बड़ी चूक, गलती से कर दी किसी दूसरी याचिका का निपटारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर ही लगा दी थी गलती से रोक। जब सीजीए को पता लगा तो पड़ गए हैरत में, आखिर कैसे इतनी बड़ी कर दी भूल। रिकॉर्ड चेक कर मानी गलती, याचिका को पुनः बहाल कराया। आखिर क्या हुई सीजीआई से गलती, किस याचिका को बदला, किस याचिका का कर दिया निपटारा, आखिर क्या है पूरा मामला, इससे किसको फायदा हुआ, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले आज का पूल, क्या ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से हुई थी गलती। ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से हुई थी गलती, निपटा दी दूसरी याचिका। सीजीआई को पता चला तो तुरंत बदला फैसला। ज्ञानव्यापी मामला इस समय खासा सुर्खियों में है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में कोई न कोई सूट विचाराधीन है। एक मामले की सुनवाई के दरमियान ही सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी समिति की उस याचिका को बुधवार को बहाल किया, जिसका उसने मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के काम पर रोक लगाते समय 24 जुलाई को अनजाने में निपटारा कर दिया था। सुनवाई के दौरान निपटारा किसी और याचिका से गलती से हो गया निपटारा। ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई। सुनवाई के दौरान निपटारा किसी और याचिका का करना था, लेकिन गलती से निशाने पर दूसरी याचिका आ गई। एडवोकेट ने यह मामला सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के संज्ञान में लाया तो खुद भी हैरत में रह गए। सीजीआई ने रिकॉर्ड को चेक कराया और फिर गलती मानते हुए मस्जिद कमेटी की याचिका को फिर से बहाल करने का आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के काम पर लगा दिया था रोक। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी समिति की उस याचिका को बुधवार को बहाल किया, जिसका उसने मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के काम पर रोक लगाते समय 24 जुलाई को अनजाने में निपटारा कर दिया था। एएसआई यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कर रहा था क्या मस्जिद का निर्माण वहाँ पहले मौजूद किसी मंदिर पर किया गया। निपटानी थी आईए, गलती से कर दिया एसएलपी का निपटारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ज्ञानव्यापी मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया प्रबंधन समिति की ओर से पेश वकील हुफेजा अहमदी की दरखास्त पर संज्ञान लेकर यह फैसला दिया। अदालत ने सुनवाई की आखिर तारीख को एएसआई के काम पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली उसी अंतरिम याचिका की बजाय मुख्य याचिका का निपटारा कर दिया था। सॉलिसिटर जनरल ने भी माना सुप्रीम कोर्ट से हुई गलती। उत्तर प्रदेश सरकार और एएसआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा उन्हें मस्जिद समिति की विशेष अनुमति याचिका को बहाल किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। मस्जिद समिति ने अपनी मेन याचिका में वाराणसी जिला अदालत में हिंदू पक्ष के मुकदमे को नागरिक प्रक्रिया संहिता के नियम 8(11)(c) के तहत खारिज करने का अनुरोध किया है।